कुछ लोग तो सनातनी होकर के भी सनातन की जड़ें काटते हैं। आज हम सुबह से न्यूज पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई, उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा चलेगा, तुम भी चले जाओगे, सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। और हमारी प्रार्थना है इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो सनातन के खिलाफ देते हैं, ये राम का राज्य है, हमारी भारत के लोगों से प्रार्थना है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि वो भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा ले। देखो माई बाप, लोग हमसे कहते कि आप इतना बेबाक बोल देते हो, क्या दिक्कत? अरे हम बेबाक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अरे साधु ही बेबाक नहीं बोलेगा, व्यास पीठ ही सत्य नहीं बोलेगी, तो पर सत्य बोलने का ठेका किसने ले रखा? देखो चाहे जो हो जाए, हम तो बोलेंगे, बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अब राम जी बचावे। सनातन इतना फैला हुआ है कि इसमें सब शामिल हो जाते हैं, जो आस्तिक है वो भी, जो नास्तिक है वो भी, जो ब्रह्म में विश्वास रखता है वो भी, और जो ये कहता है ब्रह्म नहीं है तो वहां भी सनातन ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमारे अंदर ब्रह्म है, ये सनातन की व्याख्या है। जिस सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया का मच्छर कहा जा रहा है, वो सनातन कितना विशाल है उसका एक और उदाहरण आपके सामने रखती हूं। इस सनातन धर्म का हिस्सा वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त और गणपत्य संप्रदाय है। महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन भी यहीं से निकलता है। महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन, महर्षि जैमिनी का मीमांसा दर्शन, महर्षि वेद व्यास का वेदांत दर्शन, गौतम बुद्ध का बौद्ध दर्शन, गुरु बृहस्पति का चरवाक दर्शन, गौशालक का आजीवक दर्शन, ऋषभ देव का जैन दर्शन भी सनातन की ही छाया में है। कथावाचक मुरारी बापू के मुताबिक सनातन धर्म इतना विशाल है कि आसमान छोटा पड़ जाएगा, इतना गहरा है कि समंदर की गहराई भी कम पड़ जाएगी। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म मानी इतना विशाल कि आकाश छोटा हो जाए, सनातन धर्म इतना गहरा कि समंदर की गहराई कम पड़ जाए, सनातन धर्म एक ऐसा निष्पक्ष वायु है कि सबको छुए। तो हम धर्म को संकीर्ण करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे धर्म ने बताया कि गगन सिद्धांत, जिसका सिद्धांत आकाश जैसा हो, तो हम तो सब मूल सनातन वैदिक परंपरा के लोग हैं, तो फिर इसके इसका प्रचार के लिए जो सब अपने अपने ढंग से चलते, विशेष में नहीं जानता। अगर सनातन सह अस्तित्व की बात करता है तो फिर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबके बीच में फिर द्वेष क्यों होता है? अब ये सबकी अपनी अपनी धारणा है, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरी मुरारी बापू की दृष्टि में, सनातन धर्म वो है जो सबका स्वीकार करता है।